आप बोलना सीखो, ताल से बोलो क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, अच्छा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षर से उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत कि आप बोलना सीखो तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिए जो लोग आ गए मैदान से संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांचीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं, हमें लोग काली हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण को बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए। हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से कहूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना, आगे मत आना। हो सकता है आपका रिश्तेदार भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी उसमें आ सकता है। उस समय किसी की बात नहीं सुनूंगा, हमारी कलम जब चलेगी तो फिर चलेगी। इस नाते बता देना सबको, जैसा किए हो वैसा उन प्रकार साजवट देने की तैयारी मिली है और दूंगा। अब बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा, अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला। अब इधर नेता तैयार है, मैं लड़े वाला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा एकदम। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब संयम है कोतवाल तो अब डर का है तो बेहिचक। किसी साथी को हमारे किसी नेता से अगर किसी को खट्टा लगा हो बात में, कोई साथी अगर कहा हो तो उसको भूल जाइए, जो अच्छी बात है उसको दिमाग में रखिए, निगेटिव बात छोड़ दीजिए और आप काम करते जाइए, निगेटिव अपने आप होता जाएगा, ठीक है। कभी अपने मन में निराशा मत लाना, कभी अपने मन में निराशा मत लाना, यही जगह है। बगल वाला आधा बना था, जब मैं 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, हारने के बाद घर में दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं, फिर मैं सोचा कि अब कैसे पार्टी चले। लेकिन धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब उनको याद करता हूं तब माल आ जाता है।